हाय गाइस, अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक एक पल। हम लेकर आए हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च होने वाली अपकमिंग 5G स्मार्टफोन सीरीज। इस सीरीज के अंदर तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro और Xiaomi 12 Ultra। अल्ट्रा स्मार्टफोन जनवरी 2022 के अंदर लॉन्च होने वाला है। अभी फिलहाल 28 दिसंबर को दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, वो भी चाइना के अंदर, Xiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro। आज की वैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन। सो गाइज, इस फोन से रिलेटेड जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो एल्युमिनियम फ्रेम के साथ फ्रंट और बैक दोनों में आपको ग्लास देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अगर डिज़ाइन की बात करें तो कर्व डिज़ाइन देखने को मिलेगा सेंटर पंच होल के साथ। बैक में आपको ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन प्रीमियम लुक के साथ आने वाला है Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन। गाइस, अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.73 इंचेस की सैमसंग की E52 के रेजोल्यूशन के साथ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर 120 गीगाहर्ट्ज़ का स्मूथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी Xiaomi ने अपने आप बनाई है और ये अपने आप अपने रिफ्रेश रेट को कम या ज़्यादा कर सकेगी आपके मुताबिक। और HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन के साथ वाइड वन L1 सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, डल्बी विजन देखने को मिलेगा, तो वॉचिंग कंटेंट आपको अच्छा मिलने वाला है इस डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन के अंदर, तो बेफिक्र रहिए, आपको डिस्प्ले बहुत ही दमदार मिलने वाली है। गाइज, वैसे भी Xiaomi 12 Pro काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन होगा लुक वाइज एंड डिज़ाइन वाइज। अगर बात की जाए इस फोन के मैन पार्ट यानी किसी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगी, वो भी क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 की चिपसेट, जो कि 5G चिप होगी, और ये 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी भी होगी। हीटिंग इशू आपको बहुत ही कम मिलेगा, जितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कम यूज़ की जाती है उतना हीटिंग इशू आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 30% फास्टर ग्राफिक्स रेंडरिंग देखने को मिलेगी। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का होगा, नेक्स्ट लेवल का होने वाला। फोन के सीपीयू की बात करें तो ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिलेगा 64-bit वाला, और यहाँ पर 8 कोर मिलने वाले हैं। एक कोर जो मिलेगा वह यहाँ पर आर्म कॉर्टेक्स X2 का मिलेगा, और यहाँ पर 3.0 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड मिल जाएगी। 3 कोर मिलेंगे आपको कॉर्टेक्स A710 के, और यहाँ पर पीक क्लॉक स्पीड मिलेगी आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की, एंड 4 कोर होंगे कॉर्टेक्स A510 के, और यहाँ पर आपको पीक क्लॉक स्पीड मिल जाएगी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। तो सीपीयू भी आपको अच्छी मिलेगी, और गेमिंग को संभालने के एडिनो 730 जो कि 4nm पर बनी हुई ग्राफिक्स है, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स मिलेगी, गेमिंग अच्छी कर पाएंगे इस फोन के अंदर। गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली इस डिवाइस के अंदर। अगर बात करें इस फोन के अंदर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर 120 वाट का वायर्ड चार्जिंग, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग एंड 10 वाट की यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी के साथ USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। अगर बात की जाए इसमें मैन कैमरे की, तो ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ। यहाँ पर सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा IMX707, यानी कि ये सेंसर देखने को मिलेगा, प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आने वाला है ये स्मार्टफोन। 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पर। अगर बात करें इसमें सेल्फी कैमरे की, तो पंच होल के साथ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर बात की जाए इसमें थिकनेस की, तो 8.6 mm की थिकनेस के साथ आएगा, काफ़ी स्लिम होगा। एंड वेट की बात करें, 205 ग्राम इसका वेट होने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन 12 के साथ आएगा आउट ऑफ बॉक्स, MIUI 13 वर्जन देखने को मिलने वाला है इस फोन में। फोन के वेरिएंट की बात करें, तो दो वेरिएंट देखने को मिलेगी, 8GB एंड 256GB, एंड दूसरा वेरिएंट जो होगा 12GB 256GB। रैम टाइप में आपको LPDDR5 वर्जन, और स्टोरेज टाइप में आपको UFS 3.1 वर्जन देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस फोन के अंदर सिक्योरिटी की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। अदर कनेक्टिविटी की बात करें, तो ब्लूटूथ 5.2 वर्जन और वाईफाई 6 एंड 6E देखने को मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं फोन के लॉन्चिंग डेट की, तो ये स्मार्टफोन Xiaomi 12 सीरीज चाइना के अंदर 28 दिसंबर यानी कल लॉन्च की जाएगी। अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन के प्राइस जो देखने को मिलेंगे 60,000 से 70,000 के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये थे Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।